गाइस, आज मैं आपको एक स्पेशल डिश बनाना सिखाती हूँ। हम बनाएंगे आलू का रायता। मम्मा को तो पहली बार खिलाऊंगी मेरे हाथ से बना के, बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो। देखता है इन सबको कैसा लगता है। मम्मा खा तो लोगे ना आप? हाँ। तो ये दही मम्मा ने जमा दिया था कल ही, तो चलो इसमें ट्रांसफर करते हैं अपना दही। बस मम्मा मलाई तो नहीं है ना? मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती है। हाँ समझ रहा है, सब बराबर हो जाएगी। अच्छे से थोड़ा इसे फेंट लेते हैं अपन। अभी तो इसमें थोड़ा पानी डलेगा। ये आलू मैंने बॉईल करके रखे थे और ऐसे मैश करके रख लिए थे। अब ये आलू इसमें ट्रांसफर करें। ये आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो गाइस, आलू के जो रायता होता है ना, उसमें ब्लैक सॉल्ट डलता है, काला नमक डलता है, तो काला नमक ही आप डालना अपने स्वाद अनुसार। थोड़ी मिर्च डालेंगे अपन, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि हरी मिर्च भी डालने वाले हैं थोड़ी देर में। और गाइस, मैंने ये हरी मिर्च और हरा धनिया काट के रखे थे, ये ऐड कर देंगे इसमें। तो गाइस, अब इसमें अपन लगाएंगे छौंक। तो मैंने कटोरी चढ़ा दी है, अभी इसमें ऑयल डालेंगे। तो गाइस, मैंने जीरे का और उसका छौंक लगा दिया है और ये तैयार है हमारे आलू का रायता। लो गाइस, मम्मा करेंगे टेस्ट और रिव्यू देंगे। मम्मा कैसा है? मस्त मस्त, इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना है। सच में? सच में। तो अभी बज रही है दोपहर के 2:30 और मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। जसवंत नगर जाके आ रही हूँ, मेरी मामी से आना, उनके साथ जाके आ रही हूँ। तो हमें ड्रॉप तो मामा सा कर देंगे गाड़ी से, आते टाइम हम कैब करके आ जाएंगे। तो आज का हमारा ये वाला प्लान है और मैंने पहना है राजपूती सूट। वैसे मैं पहनती नहीं राजपूती सूट अभी जाते टाइम, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। और एक ये ड्रेस है और एक रक्षाबंधन में पहनी थी ना, वो पहन के आई थी और ये एक एक्स्ट्रा में लेके आई थी। तो अभी मेरे पास ऑप्शन ही यही बचा है, तो मुझे यही पहन के जाना पड़ेगा। और अभी मेरी सबसे ढंग की ड्रेसों में मेरे पास यही है, तो यही पहन के जा रही हूँ। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। इसमें तो पूरा ही मैच हो रहा है, पर ये तो वही है ना, सैटर्न हो गया। कोई पिंक बूटे वाला कोई सूट हो तो और मतलब एक बार बता दो। ये तो फिक्स है ही अगर। हाँ हाँ, ये वाला ना वाइन कलर है। ऐसे कोई कड़े हैं क्या इस कलर में? तो गाइज, ये शॉप है, बैंगल्स की शॉप है, जो कि दयाल बैंगल्स है, जो कि आप सभी जानते होंगे जो जसवंत नगर या खातीपुरा के आसपास रहते हैं। कौन सा? दयाल बैंगल्स की शॉप है, आप लोग पूछो उसी से। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये दयाल बैंगल शॉप है, यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो आप विजिट कर सकते हैं। लड्डू की ड्रेस लाए मामी सा। मुझे वो ड्रेस थी वो यार आ गई तुझे। और यार उसने बना भी अच्छी रखी थी है ना। अब आप देखते जाओ, ये रानी ओढ़नी थी ना उसपे, कितना सुंदर लग रहा है। नहीं मेरे तो ऐसा सूट है ही नहीं, ये मैंने दीजा अस्तर लगा, इसमें अस्तर है ना, ऐसा लगेगा। हाँ तेरे ना ये तो बिल्कुल मैच है, कंट्रास्ट में भी चलता है थोड़ा बहुत। तो ये कॉटन का पसंद है।
पूरा सूट विद ओढ़नी, ओढ़नी भी डाई करी हुई है सेम कलर। हम लाए थे ना इसके साथ 750, लेकिन उसने ना 50 रुपए कम कर ही दिए। हाँ जुड़ी हुई है, बढ़िया ना। नहीं 1000 का दिया था ना। अरे ये तो 1000 का था, ये तो 1000 का था। प्योर की ओढ़ो चाहे इस पे, तो प्योर की ओढ़ लो, है ना? अच्छा है ना इस पे। हमने ओढ़नी डाई करवाई है पूरी, तो ऐसे लाइट पिंक कलर की, और पल्लों पे ये डार्क वाला है ना, पल्लों पे ऐसे और बीच में एक बड़ा पतंग ये। अलग ही कपड़ा है ये, साटन नहीं है, महंगा है ये भाई, 200 रुपये मीटर है। हाँ अच्छा है ना। भगवान, दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग, ये है अगली सुबह। मतलब मैं कल वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। अब से मैंने ऐसा सोचा है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालूंगी, क्योंकि उससे क्या डेली डालते हैं ना, तो उससे ना तो व्यूज आते हैं ना इतना कोई खास सपोर्ट मिलता है। तो मैंने सोचा है एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डाल दूंगी, दो दिन का एक साथ व्लॉग आपका मिक्स कर दूंगी मैं। तो अभी बज रही है सुबह के 9 बज रही है, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और पूजा पाठ मैंने कर लिया, मैंने खाना भी खा लिया आज 9 बजे, काफ़ी जल्दी खा लिया। और आज नाश्ता, सुबह जल्दी उठ गई थी ना 7 बजे, तो नाश्ता भी कर लिया था उसी टाइम और सारी चीज़ें उसी टाइम हो गई थी। तो नहा धो ली, फिर मेरे को तो कोई काम रहता नहीं है यहाँ पे, तो नहा धो ली, खाना भी खा लिया। मम्मा ऊपर पूजा कर रहे हैं, भाई ऊपर नहाने गया हुआ है, और अब अपन अपने ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। मुझे किशमिश भिगाई हुई बहुत गंदी लगती है, पर क्या करें, खानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। भिगी हुई किशमिश बहुत गंदी लगती है मुझे ना, सूखी किशमिश खाना बहुत पसंद है। सारे ड्राई फ्रूट्स में से मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है किशमिश, लेकिन वो भिगी हुई नहीं होनी चाहिए, पर वैसे गर्मी करती है, भिगी हुई थोड़ी ठंड करती है, इसलिए भिगा के खा रही हूँ आजकल। और अभी ये खा के फिर पढ़ेंगे गीता, गीता का आज मैंने गीता स्टार्ट कर दिया पढ़नी, पहला अध्याय पढ़ूंगी मैं आज से गीता का। और चलिए गाइस, और गाइस आज तो मुझे ससुराल भी जाना है, मतलब मैं शाम को जाऊंगी, 4-5 बजे निकलूंगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा रेस्ट करूंगी, खा पी के थोड़ा सोऊंगी मैं, और उसके बाद में निकलेंगे ससुराल के लिए। तो थोड़ा सा व्लॉग वहाँ का भी बन जाएगा, आप लोग देख लेना, थोड़ा सा व्लॉग वहाँ का भी बन जाएगा, आप लोग देख लेना। और आज, वैसे आज मैं जा रही हूँ, आज सैटरडे है, बट मैं आऊँगी कल संडे को, क्योंकि सैटरडे को फिर आते नहीं है, बात वही हो जाती है। तो फिर आज जा रही हूँ, कल आऊँगी, कल शाम तक संडे है, तो संडे को पतिदेव भेजते नहीं है जल्दी से, तो कल शाम तक मैं आऊँगी। ये छोटी वाली गीता है, इसको मैं ना, ये पोर्टेबल है, मतलब मैं इसको कहीं लेके भी ट्रैवल कर सकती हूँ, तो आज से मैं यही वाली गीता पढ़ने वाली हूँ। किम कुवर्त संजय, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन आचार्यमु प्रसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अभी बज रही 3 और मैं सो के उठी हूँ, और थोड़ा सा जूस लूँगी अभी, और 5 बजे पतिदेव आएंगे मुझे लेने के लिए, तो उन्हीं के साथ जाऊँगी अभी ससुराल 5 बजे के समथिंग। और मम्मी सो रहे हैं, अभी सब लोग सो रहे हैं, मुझे ना हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने का मन है। अनार का जूस पहले ये पीऊँगी और उसके बाद में देखते हैं। तो गाइस मैं ससुराल आ चुकी थी, शाम को आ चुकी थी, और ये मेरा बैग अब रेडी है, और बस सुबह मुझे निकलना है यहाँ से पियर के लिए। और अभी तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देख रही मेरे सारे व्लॉग। नहा के आ चुकी हूँ और अभी हाथ में लगाऊंगी थोड़ी सी मेहंदी, मतलब जो सोने की मेहंदी होती है ना अंगुलियों पे, बस वो ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि बाकी लगाने का तो टाइम नहीं है, और वैसे भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी राखी की, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम निकलेंगे मेरे घर के लिए वापस। अब से मैं अकेली ही ब्लॉग में आऊँगी, मेरे ब्लॉग में वैसे भी कोई आना पसंद करता नहीं है, और अब से इस चैनल की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरी गारंटी नहीं है गाइस कि मैं, आप लोग मुझे ऐसे मत बोलना कि आप सबको लेते नहीं हो, मैं सिर्फ उन्हीं को ले सकती हूँ जो इस ब्लॉग में आना चाहते हैं, तो आगे से आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में।
ओके गाइस, मैंने लगा ली है मेहंदी और जाऊंगी मैं 3-4 बजे, और मजे करो आप, मतलब कि इस कैमरे के पीछे जो इंसान है वो मजे करे। कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना चाहते हो? हैं जा जा सनम जा। यस कॉपी कर रही है उसी पे, उसी मेहंदी पे कॉपी कर रही है। कॉपी कहाँ किया, ये तो फूल था, ये तो ऐसे ही होगा। गाइस मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, ये सलवार सूट ही पहन के जाने वाली हूँ अपने पेयर, क्योंकि यार अभी इतनी से तो दूर मुझे जाना है, और इतनी से दूर मैं क्या ही राजपूती ड्रेस पहनूँ, बस बैग लेने ही तो आई थी। और अभी जो हमारे पास में रहता है ना मीनू दीदी, वो मम्मी ने उनको धर्म की बेटी बना रखा है, तो वो अब राखी बांधेंगे, क्योंकि राखी वो खुद के पेयर गए हुए थे, तो मेरे और इनके पति देव के अब राखी बांधेंगे वो, उसके बाद में हम निकलेंगे यहाँ से। आ गए क्या दिखा? सुंदर है, फुंदा ले रहा है, फुंदा ले रहे। मम्मी की ननद। आओ आओ मीनू दीदी, आप ही का इंतजार, आप ही का इंतजार। देखो साड़ी वाड़ी बांध क्या और आंटी जी का मेरे का साड़ी। अच्छा आई सुंदर है। ये तो जिंदगी का साथ हो गया मेरे कुछ भाई वो जाई जल्दी बाजी में जो भूल गई और आपकी तो भेजी मैंने।
मेरे को भी दोगे नारियल? निकलने मैं निकल चुकी हूँ, मुझे लेके तो निकले हैं, कुछ आना अपने दोस्तों के साथ। कौन सा पास है जब बातें आ रही हैं आपको? इतनी पास ससुराल किस्मत वालों को मिलता है ना, तो तुम्हारे खर्चा लगता है मुझे छोड़ने का ना तुम्हारे कोई 100 रुपए का पेट्रोल जलता है बस तुम्हारा। ज्यादा बता दी मैंने, 50 रुपए का पेट्रोल भी नहीं चलता होगा, तो गाइज मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती इस डोसा वाले कॉर्नर पे लेके चले गए थे, बट मुझे डोसा खाना ही नहीं था और जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे था ही नहीं, तो फिर मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डोसा है वो भी 150 तरह के। फिर उसके बाद मैं गई पानी पताशी खाने और मेरे हस्बैंड मुझे ताना देते हैं कि तेरे को कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओ पर तुझे पसंद आएगी वही 10 रुपये की पानी पूरी। पर यार गाइज आप सभी को पता है, हर लड़की पानी पूरी से रिलेट कर सकती है कि जो मज़ा पुचके खाने में है ना, और वो भी ये 5 पानी वाले भाई मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, किसी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं पानी पताशी। इतना क्यों नाटक कर रहे हो? अच्छा कह देते हैं यही आ रही हो, आप क्या 3 महीना आराम से रह पाएंगे? सुकून से। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा डबल बेड सिंगल बेड हो जाएगा। गाइज ये कैमरे के सामने कुछ और है और अभी ऑफलाइन कुछ और बोल रहे थे ये। अरे पैकनेस करने की जरूरत है नहीं, सबको पता है, पता एक आदमी की खुशी और पीट जाने के बाद मेरे लिए क्यों मैं पानी नहीं पीऊंगी क्या? गाइस पतिदेव जा चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ बस रेस्ट, और अभी कुछ ऐसा काम नहीं है, बस अब चेंज करूँगी और उसके बाद में मिलते हैं आपसे। और मम्मा ने आज कढ़ी बनाई है मोठ के, फली वाली कढ़ी, तो मम्मा अपने किचन में लगे हुए हैं और बस मैं लेटी हुई थी अभी, और अब बस अब ड्रेस चेंज करेंगे थोड़ा कुछ खा पी के। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम खुला खुला मौसम और हवा चल रही ठंडी ठंडी, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी हवा चल रही है आज, काफ़ी टाइम बाद अच्छा मौसम हुआ है। मैं खड़ी थी यहाँ बालकनी में ऊपर, मैंने अभी चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं शाम को मंदिर जाऊँगी फिर उसके बाद ही चेंज करूँगी, अभी चेंज करूँगी तो फिर मैं मेरा वही शॉर्ट्स और टी शर्ट में आ जाऊँगी ना, तो फिर मैं मंदिर नहीं जा पाती, फिर मुझे वापस चेंज करना पड़ता, इस वजह से मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सोचा फिर मंदिर जाके फिर ही चेंज कर लेंगे। तो गाइस चलो नीचे चलते हैं मम्मा के पास। मम्मा उनका फोन आया था सिलाई वालों का। मम्मा बनाई है कढ़ी जो कि है ये मोट वाली फली होती है ना, ये मेरी फेवरेट कढ़ी है, तो आज मम्मा ने ये बनाई थी और गर्मा गर्म चपाती है, तो इन्जॉय करते हैं। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ और अभी बज चुके हैं 9:30 और आई एम हैविंग मिल्क, दूध पी रही हूँ आज, वैसे मैं पीती नहीं हूँ लेकिन ससुराल में तो नहीं पीती, पर मम्मा ने आज ज़बरदस्ती मान रहे नहीं है कि दूध पीना पड़ेगा, मुझे ऐसा वाइट दूध कभी अच्छा पसंद आता नहीं है, मैं हमेशा दूध चाय मिला के पीती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच और गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।